शिक्षा पाना सबका सपना होता है, मगर इंसान की मजबूरियां आगे आकर उसका सपना तोड़ देती हैं। मजबूरियों के आगे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसी दर्द को समझते हुए जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बिस्कोहर के चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने आज अपने क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिस्कोहर में राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने वृक्षारोपण किया। इससे पहले इसी स्कूल में बच्चों को डिजिटल युग की पढ़ाई के लिए स्लेट टीवी का उपहार दिया था, ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सके और पीने के लिए पानी का आरओ भी लगाने का वादा किया। इससे पहले भी राजेश अवस्थी ने कई विद्यालयों में जाकर बच्चों को किताब कॉपी का वितरण भी किया। जनहित के मुद्दे भी कालिया बाबा उठाते आए। कालिया बाबा ने कहा कि समाज सेवा करके उनको संतुष्टि मिलती है। अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत बिस्कोहर में उन्होंने 5 असहाय बच्चियों की शादी धूमधाम से कराई। एक मदरसे के जलसे के कार्यक्रम में जाकर सार बच्चियों को उपहार स्वरूप 11,000 रुपए दिए थे। राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा द्वारा किए जा रहे परोपकारी कार्यों के क्षेत्र में हर जगह प्रशंसा हो रही है। विद्यालय इंचार्ज उमाकांत गुप्ता, राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा की टीम मौजूद रही। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। नया वर्ष जो हिंदू नव वर्ष लगा है, उसके बाद देशवासियों को नगर वासियों को धन्यवाद हमारी तरफ से, और उसी अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण आज स्कूल में किए हैं और स्कूल में टीवी भी लगवाए। पिछले महीने में LCD लगवाएं, बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले। अब वहाँ पानी का दिक्कत था तो हम घोषणा किए हैं कि चलिए RO भी लगवाएंगे वहाँ बच्चों के लिए, कि अच्छे से पिए और पढ़ें, मन लगा कर कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। और हम तो सबसे यही कामना करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि अपने लोग को, कि और कोई 2-4 लोग ऐसे निकलें कि भाई हर स्कूल में सुविधा हो जाए और करें कि बच्चों का भी मन लगे। उसी अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण करके आए हैं आज, और 2-4 लोग हमारे साथ के, तो वहाँ भोजन भी किए हैं स्कूल में, भोजन भी अच्छा था, उसमें पढ़ाई भी बढ़िया हो रहा है। हम लोग तैयार